आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स के लाभ क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल का हिंदी मतलब होता है आपसी या आपस का, मतलब जैसे कई लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे म्यूचुअल कहते हैं। और फंड का मतलब होता है कोष या निधि जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, रखते हैं। यानी म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ ऐसा फंड जिसमें कई सारे लोगों का पैसा उसमें जमा किया जाता है और ये लोग ये पैसा अपने इच्छा से और आपसी सहमति से जमा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ हम और आप जैसे कई इन्वेस्टर्स का पैसा इस कोष में रखा जाता है, यानी इस फंड में रखा जाता है और फिर इसे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इस इन्वेस्ट किए गए पैसे पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है जिसमें से इन्वेस्टर्स को भी शेयर किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स को असेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा मैनेज किया जाता है जिसे शॉर्ट में AMC कहते हैं। इन AMC के पास कई अन्य म्यूचुअल फंड्स की स्कीम भी होती हैं। इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को SEBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी ये म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं, इस पर SEBI की नज़र होती है। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं ये म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए कुछ फीस भी लेती हैं जो कि बहुत ही कम होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं जिससे ये फीस इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए लागत बहुत ही कम आती है। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। देखिए, जो पैसा म्यूचुअल फंड के रूप में AMCs के पास जाता है उसे ये कंपनीज एक ही सेक्टर या एक ही कंपनीज के शेयर को खरीदने में नहीं लगाती हैं, बल्कि इस फंड को अलग अलग जगह निवेश किया जाता है ताकि अगर एक सेक्टर से नुकसान हो तो दूसरे सेक्टर से फायदा भी हो, जिससे अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल सके। ये म्यूचुअल फंड्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इत्यादि। इसके अलावा और भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। अब ये क्या होते हैं, इन पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स पर रिटर्न 12-15% का मिलता है, जो कि RD और FD से काफ़ी अच्छा होता है और सेविंग अकाउंट से तो कई गुना ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड्स में ₹500 पर मंथ से इन्वेस्टिंग शुरू की जा सकती है। म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है जिससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।